गाइस, 1 अप्रैल को भले ही दुनिया में लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाकर मजा लेते हों, लेकिन इतिहास में इस तारीख पर कई बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं। पहला, साल 1839 में इसी दिन कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सिर्फ 20 बिस्तर के साथ शुरू किया गया था। दूसरा, साल 1869 में इसी दिन इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। तीसरा, इसी दिन साल 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। चौथा, साल 1935 में इसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। पांचवा, साल 1976 में इसी दिन स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। और छठा, साल 2004 में इसी दिन गूगल ने जीमेल का ऐलान किया था। गाइस, 1 अप्रैल की ये तारीख सिर्फ अप्रैल फूल के लिए ही नहीं है, बैंकों की क्रांति और टेक्नोलॉजी की शुरुआत की तारीख भी है। ऐसी अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अमीर शख्स कौन है, तो आपकी जुबा पर सबसे पहला नाम आएगा एलन मस्क का, क्योंकि दुनिया की तमाम रिपोर्ट यही मानती है, लेकिन खुद एलन मस्क ये नहीं मानते। जी हाँ, एलन मस्क का कहना है कि मेरी नजर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कोई है तो वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये सिर्फ एलन मस्क नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट भी यही बात मानती है कि पुतिन का रशिया में 20 साल से सत्ता में होना और लगातार उनकी संपत्ति को छुपाया जाना, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और ये सब पैसा उनके पास करप्शन से आया है। बहरहाल, उसमें दो चीजें हैं, या तो अमेरिका और एलन मस्क का ये स्टेटमेंट रशिया की जनता को पुतिन के खिलाफ भड़काए जाने के लिए है, या तो फिर सच में पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।